वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ अ गर्ल मैनी सिंह। और आज मैं हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे और मैं जा रही हूँ मुंबई से गेस करो गोवा जा रही हूँ। मैं बता देती हूँ आपको क्योंकि मेरी पीठ में बात छुपती नहीं है। एंड अभी हम एयरपोर्ट पे हैं और हमने देखो मैं आपको दिखाया, ये हमने खा लिया, ये ख़त्म हो गया। हमने एक पनीर टिक्का सैंडविच खाया और हमने पी थी एक कॉफ़ी। हमने क्या पिया था इसे, हमने एक लाते पिया था। उसको पीने के बाद हमने किसी को लात नहीं मारी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्या प्रॉब्लम है? और ये देखो ये एयरपोर्ट है और ये हमारी फ्लाइट अभी तक आई नहीं है। तुम्हारा मुंह तो कट गया। एंड देखिए अभी क्या टाइम हो रहा है मामा, अभी हो रहे हैं 5:13 एंड हमारी फ्लाइट है 6:10 की। सो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम है। मम्मा आप मेरे को व्लॉग नहीं बनाने दे रही हो, तो हमारे पास बहुत टाइम है और हमने खाना भी खा लिया है बहुत जल्दी। सो हम थोड़ी देर और टाइम पास करेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे एंड फिर हम जाएंगे अपने गेट पे, गेट से हम जाएंगे प्लेन में। चलो देखते हैं, बाय बाय। हाय बाय। आई डोंट नो मैं इस वीडियो में क्या कर रही हूँ या मैं इसके बारे में क्या कहूँ, तो मतलब पता नहीं। ये है मेरी इस मंथ की सिक्स फ्लाइट और अब मैं थक गई हूँ एयरपोर्ट जा जा के, फ्लाइट में बैठ बैठ के, वेट कर कर के, पहुँच पहुँच के, कैब में बैठ बैठ के, तो मैं थक चुकी हूँ। बट आई लव इट एंड आई लव इट। अभी तो तुमने कहा थक गई हूँ पर मेरे को घूमना भी तो पसंद है ना। सिर्फ ट्रैवल करना मुझे नहीं पसंद आता, एयरपोर्ट पे या रिलेटेड काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को ना पैकिंग करना पसंद है ना अनपैकिंग करना पसंद है। आवाज़ नहीं आ रही अभी, वो हो रहा है ना, अनाउंसमेंट हो रही है। भगवान जी जो करते हैं सही करते हैं। फ्लाइट की बोर्डिंग होने में बहुत टाइम था तो हम तो बस वेट ही कर रहे थे और ये नज़ारा देख रहे थे कि यार कब फ्लाइट बोर्ड होगी, कब जाएंगे। फिर हम चले गए थे फ्लाइट में और बहुत ही सुंदर सी पिंक लाइटिंग हो रही थी। उसके बाद खाना वाना खाया एंड देन फ्लाइट का टेक ऑफ का समय हो चुका था। फिर हम बैठ गए इस छोटी सी बस में एंड फाइनली वी आर इन गोवा। फिर हम पहुँच गए थे हमारे होटल में जो था वी हास्ता एंड मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। सो यहाँ पे था मतलब बेसिकली डाइनिंग एरिया, यहाँ पे लिविंग रूम, एक टीवी था, बहुत ही प्यारी बालकनी एंड उसका व्यू था एक स्विमिंग पूल। सो मतलब काफ़ी प्यार होटल था एंड बहुत ही यू नो फैमिली, मतलब फैमिली के बोल रही हूँ, घर टाइप फीलिंग आ रही थी। और ये था हमारा वॉशरूम एंड वॉशरूम के पास में था हमारा बेडरूम एंड बेडरूम भी बहुत ही प्यारा था। सो इट वाज़ बेसिकली फन, ऐसा लग रहा था कि हम घर पे ही हैं बट हम घर पे नहीं थे, हम गोवा में हैं। सो एंड दिस इज़ मी। सो अब बारी आ चुकी थी गोवा घूमने की, तो हम निकल गए थे गोवा को एक्सप्लोर करने का, जो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ बट हम दोबारा गए। एंड यहाँ पे मैं रेडी हुई हूँ एंड इस लुक पे मैंने अपनी इंस्टा पे फोटोज़ भी पोस्ट किए हैं, तो अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। सो हम गए थे कलंगुट बीच एंड जाते ही हमें लग गई बहुत तेज़ भूख क्योंकि ट्रैवल करके आए थे और सुबह भी कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, लाइट ही खाया था। तो हम इस रेस्टोरेंट में आए थे, यहाँ पर हमने ये पाइन ऐपल कुछ तो पिया था एंड इट इज़ सो गुड गाइज। फिर उसके बाद हमने यू नो अच्छे से एकदम रोटी खाई एंड पनीर बटर मसाला खाया, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, सर्विस भी अच्छी थी। फिर उसके बाद हम बीच गए, बीच इतना सुंदर था, हाँ थोड़ा सा क्राउड बहुत ज़्यादा था बट स्टिल हमने अच्छी अच्छी पिक्स भी ले ली, अच्छी अच्छी रील भी बना ली, तो आप वो मेरे इंस्टा पे चेक कर सकते हो। एंड हाँ मम्मी के साथ मैंने मतलब इतने टाइम बाद मम्मी के साथ मैंने वीडियोज़ बनाई एंड यू नो बहुत अच्छा लगा, मम्मी के साथ भी पिक्चर्स खींची। फिर कुछ नहीं, मैंने वहाँ पे बेसिकली टाइम पास ही किया, बहुत सारी वीडियोस बनाई एंड गाइस सो सॉरी क्योंकि इसके मतलब मैंने बहुत ही कम रिकॉर्ड किया है एंड ये व्लॉग ख़त्म भी हो गया है बट शायद हम एक नया व्लॉग बनाएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।